पॉलिटिशियन हिसाब से नहीं जा रहा हूँ, एक फ्रीडम फाइटर हिसाब से जा रहा हूँ। मैं इन लोग को जो फ्रीडम दिलाने के लिए मैं नामसाई को चुना है और नामसाई में जा रहा हूँ। इसी घर में इवन छत भी नहीं है, ऐसा सिचुएशन में भी लोग अभी जी रहे हैं। तो मैंने, आप सब जानते हैं, अरुणाचल में सब जानते हैं कि एक्चुअली सबसे एडवांस कॉन्स्टिट्यूशन क्यों है, बिकॉज मैंने उसमें शुरू किया रहा था नामसाई से, अभी से नहीं पहले से इन्विटेशन आ रहा था। वैसे नामसाई सिर्फ नहीं बल्कि अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन इन्विटेशन मुझे आते हैं, तो नामसाई में मैंने जाके देखा और प्रैक्टिकली विजिट भी किया और जाके भी देखा और पता भी किया नामसाई बारे में। अभी मैं पूरा मालूम है नामसाई में 36% आदिवासी है, 20% आसामिश है और 16% सिंपो खमकी है, 17% अबोकानी है और बाकी जो बिहारी और बंगाली मिला के बाकी जो परसेंटेज है। तो उसी में मैंने देखा है कि आसामिस जो लोग को अपना राइट नहीं मिल रहा है, उसका डिप्राइव हो रहा है, कमीशन नहीं मिल रहा है। आदिवासी को उधर इतना मैक्सिमम पॉपुलेशन तो आदिवासी है, उसको आप राइट नहीं मिल रहा है, उसका इतना इंडिपेंडेंस से आगे से उधर सेटल है लेकिन आज तक उसको राइट नहीं मिल रहा, बैठने का लैंड का राइट नहीं मिल रहा है। और आवातनी के लोग को रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला, इतना सालों सालों से रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा है। लेकिन इस बार एक अच्छा लगा कि मैं जिस दिन में मेरा नाम ऐलान हुआ उसी दिन में इमरजेंसी जो 20 साल जो डिमांड था आवातनी का सीओ ऑफिस का इनॉग्रेशन हुआ, वो बिल्कुल क्रेडिट मेरा ऊपर जाते हैं क्योंकि मेरा नाम अनाउंस नहीं होता तो भी और 20 साल में भी नहीं होना था, हो गया है। फिर आपका उधर खामती और सिंको 16% पॉपुलेशन है उधर, लेकिन उस सिंको खामती को हम लोग यहाँ के लोग हम लोग सुनते थे सिंको खामती बहुत एडवांस है, तो सिंको खामती के लोग बहुत एडवांस है, बहुत इकोनॉमिकली साउंड है। लेकिन अभी मैं प्रैक्टिकल जब जाके देखा और सुना और प्रैक्टिकल शादी भी किया तो देखा गया कि सिर्फ एक ही फैमिली जो है हर चीज़ में आगे है, इकोनॉमिकली साउंड है, पावर है, सब कुछ ऐसा हो गया कि पहले ब्रिटिश का सिस्टम का तरह और अभी डिक्टेटर एक डिक्टेटरशिप का मैंने रूल चल रहा है, मतलब एक ही परिवार से सिंको हाथी में बहुत एडवांस वो है। अभी जो सिटिंग MLA और हमारे DCM साहब दोनों का ही परिवार आगे है, बाकी सिंको हाथी का हालत बिल्कुल ख़राब है। मैंने देखा गया कि सुना भी है कि किसी किसी घर में इवन छत भी नहीं है, ऐसा सिचुएशन में भी लोग अभी जी रहे हैं। तो मैं राजनीति में अगर मैं पावर हंगर होता तो मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी में मैं 10 साल विधायक बना। इस बार भी मैं मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी में आप खबर ले सकते हैं, मेरा पोजीशन जीतने का पोजीशन बिल्कुल है और जीतेगा भी। लेकिन मैं इस बार इसलिए इनविटेशन को एक्सेप्ट किया जो नामसाई के लिए कि इन सबको हम एक फ्रीडम दिलाना चाहता है, जो इतना साल से इन लोग डिप्राइवेशन होकर है उसको अपना हक दिलाना चाहता हूँ। ये मैं एक पॉलिटिशियन हिसाब से नहीं जा रहा हूँ, एक फ्रीडम फाइटर हिसाब से जा रहा हूँ। मैं इन लोग को जो फ्रीडम दिलाने के लिए मैं नामसाई को चुना है और नामसाई में जा रहा हूँ। अच्छा सर, आप याचुली में काफ़ी साल याचुली के लिए काम भी किया, तो सर याचुली जो हो गया अलग हो गया और नामसाई अलग है जो असम के साथ थोड़ा टच है सर, तो वहाँ में आसामीज पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, तो आप किस तरह से सर आप याचुली से हट के ये नामसाई जाके किस तरह से सर वहाँ दोनों कम्युनिटी को मिला के या जितने भी कम्युनिटी हैं वहाँ मिला के आगे ले जाएंगे सर नामसाई को? सर एडिंग टू दैट हम पूछना चाहते हैं कि आपने लैंड राइट्स का बात किया, तो ERC इशू जो है आप लोगों का स्टेट में काफ़ी कंट्रोवर्शियल है, तो उस पर आपका क्या सोच है, क्योंकि स्पेशली उस जगह पे है जो लोगों को इफेक्ट पड़ता है ये जो ERC इशू है, तो उसके ऊपर भी थोड़ा मैं आगे इसका जवाब दूंगा कि वैसे हम इंडियन हैं, हम भारतीय हैं, भारत देश यानी हम सब एक ही परिवार है, भारतीय है, इंडियंस हैं, तो
हम जब इंडियन सिटीजन है हम कहीं देश का कोना में हम चुनाव लड़ सकते हैं। नामसाई तो अपना प्रदेश है, तो मैं कहीं यूपी बिहार में आपका साउथ में ईस्ट नॉर्थ कहीं भी लड़ सकता हूँ, क्योंकि हम इंडियन सिटीजन है। नंबर वन। नंबर टू, जरूरी नहीं कि अपना घर से ही लड़ते रहना है, क्योंकि हम नेता जो है सिर्फ घर के लिए नहीं, सारा प्रदेश के लिए, सारा देश के लिए। इस हिसाब से नामसाई तो मेरा अपना प्रदेश, मेरा अपना प्रदेश का है। नामसाई में जो है 17% पॉपुलेशन जो है आवतानी, जो मेरा अपना इमीडिएट खून है, मेरा अपना ही परिवार है। और जो आसामिस, मेरा आसामिस बोलो, आदिवासी बोलो, आपका कांति सिंह को बोलो, अपना ही परिवार है, यानी अरुणाचल के परिवार। मैं इस हिसाब से अपना प्रदेश में तो कहीं भी जाकर चुनाव लड़ सकते हैं। और मैं जाने का, मेरा लड़ने का, नामसाई में लड़ने का मकसद तो सिंपल बात है कि हम पावर के लिए नहीं जा रहा हूँ, मैं एक फ्रीडम फाइटर के रूप में जा रहा हूँ, कि जो मैं उन सब का हक को मैं दिलाने के लिए जा रहा हूँ। मैं उधर सिर्फ MLA का पावर लेना है तो कहीं भी हम यहाँ भी ले सकते हैं, कहीं भी ले सकते हैं। अपने प्रदेश कॉन्स्टिट्यूंसी में तो पोजीशन अच्छा है ही है, तो मैं एक प्रदेश अध्यक्ष NCP पार्टी होने के नाते पार्टी को मैं हमेशा टॉप प्रायोरिटी में रखता हूँ। इसलिए मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी में मैं तो तातुम जी को मेरा जो कॉन्स्टिट्यूंसी मेरा जगह को मैंने दिया है, वो भी जीत के आएंगे NCP पार्टी से। तो कम से कम मैं चाहता हूँ कि मैं एक अगर विधायक बनने से अच्छा दो विधायक अगर NCP में निकालता तो और भी अच्छा बात है। ये भी एक कारण है कि मैं उधर जा रहा हूँ। तो बाकी जो आपने बोला उसको मैं अभी यहाँ नहीं बोलूँगा, क्योंकि ये उस सब्जेक्ट में रिलेटेड नहीं है, जब समय आएगा तो मैं। अच्छा सर, जैसे कि अभी देखा गया है कि बहुत सारा लोग को जो BJP में टिकट नहीं मिला, जो मतलब उनका कहना था कि वो डिजर्व करते थे, तो अभी सर जैसे कि आज मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी लगने वाला है, तो आपको क्या लगता है सर, अभी आज कोई और ज्वाइनिंग होने का चांसेस है BJP से, जो आपके पार्टी में कोई सीनियर लीडर? सर हाँ, जो अभी भी ज्वाइन किया वो भी BJP का ही टिकट कंटेंडर था, और भी कल भी ज्वाइन, आज अभी ऑलमोस्ट सब जो BJP में जो टिकट नहीं मिला है ज्वाइन कर रहे हैं और करने वाले हैं, कर चुके भी हैं। तो ये है कि एक पार्टी जो एक प्लेटफॉर्म है, कि जो हम जो नेता मतलब ये कि कलाकार है, पार्टी एक जैसे मंच की तरह, प्लेटफॉर्म की तरह, तो कलाकार को तो कला दिखाना ही पड़ेगा ना। तो उसको अगर एक मंच अगर जगह नहीं मिलता, दूसरा मंच तो दिखा ढूंढना पड़ेगा, सो अपना कला तो दिखाना पड़ेगा, ऐसे तो नहीं बैठ सकते। तो इसलिए हमें BJP में टिकट नहीं मिला तो मेरा पार्टी में आना चाहिए। और हम ये मेरा पार्टी जो है एक ऐसा पार्टी है कि आज के दिन में नेक्स्ट BJP तो हमारा NCP पार्टी है। तो हमारे पार्टी का मकसद ये है कि हम नंबर वन, हमारे जो NCP पार्टी जो 100% सेकुलरिज्म हम फॉलो करते हैं, हम किसी धर्म जात भेदभाव से हम विश्वास नहीं करते और खिलाफ भी नहीं करते हैं किसी धर्म के। दूसरा बात है कि हमारे जो NCP पार्टी का मकसद है कि जो विकास है हर इंडिविजुअल तक पहुंचना चाहिए। जैसे मेरा सेंट्रल लीडर ने जैसे बोला, हर इंडिविजुअल, हर परिवार, हर इंडिविजुअल का पर कैपिटा इनकम आगे बढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ लेवल में विकास जो रुक जाना चाहिए, कुछ लेवल में एडवांटेज मिलेगा। हमारे मकसद ये रहेगा कि एक एक इंडिविजुअल को बेनिफिट मिलना चाहिए, चाहे वो स्कीम हो, चाहे वो ग्रोथ इकोनॉमिकल ग्रोथ हो, हर परिवार को होना चाहिए। और मेरा नामसाई में जाने का मकसद भी ये है कि मैं चाहता हूँ कि हर नामसाई के एवरी इंडिविजुअल, एवरी परिवार को पर कैपिटा इनकम बढ़ाने के लिए मैं जा रहा हूँ, कि हर परिवार को कैसा करके आप अपने आप ये जो प्रॉस्पर हो सकता है, अपने आप एक इकोनॉमिकली साउंड हो सकता है, कैसे आप अपना परिवार को खुशहाल जिंदगी जी सकते, उस चीज़ को मैं पर्सनली मैं सिखाने जा रहा हूँ। जिस तरीके यचुली में मैंने सिखाया, यचुली में आप सब जानते हैं, अरुणाचल में सब जानते हैं कि यचुली सबसे एडवांस कॉन्स्टिट्यूशन क्यों है, बिकॉज मैंने उसमें शुरू किया था, कार्डमम से लेके आज एक्वाकल्चर तक मैंने कराया। आज यचुली के लोग आप जाके देख भी सकते हैं कि एक भी ऐसा बस्ती नहीं जहाँ पे ब्लैक टॉपिंग रोड ना हो। और मैंने सिर्फ बस्ती में नहीं बल्कि सारा धान खेती तक मैंने, खेत तक मैंने रोड ब्लैक टॉपिंग रोड पहुँचाया है। तो अभी नामसाई में देखा गया कि उस पर रोड का हालत नहीं, जबकि वो से पहाड़ जैसे अचुली जैसे पहाड़ भी नहीं है,
एक साल भी नहीं लगेगा उसमें विकास करने के लिए, लेकिन अभी तक 20 साल से कुछ नहीं हो रहा है। तो मैं, मुझे अगर नामसाई के लोग विश्वास करके मुझे चुनते हैं, मैं इन रिटर्न में भी कमिटमेंट दे सकता हूँ कि एक साल के अंदर नामसाई में ऐसा एक भी कच्चा रोड दिखाई नहीं देगा। और ऐसा एक, उस दिन मैंने एक चीफ गेस्ट के तौर पर मुझे ये सोलंग फेस्टिवल ने मुझे बुलाया था कल्चर नाइट में, तो मैंने वाशरूम ढूंढा, सारा वाशरूम ही नहीं मिला। एक वाशरूम जाके देखा तो ओवर प्लादित था, तो देखने का लाइक नहीं था। तो ऐसा एडवांस कंट्री में ऐसा सिचुएशन कॉन्स्टेंसी में थी कि मुझे बुरा लगा। और मैं स्कूल का तो हालत नहीं, कोई चीज़ का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, मैं वो चीज़ को मैं सुधारने जा रहा हूँ। उनमें आने वाला कल मुझे चुन के आता है तो नामसाई भी याचुली जैसा एक मोस्ट एडवांस और डेवलप कॉन्स्टेंसी में गिना जाए। अच्छा सर।